हेलो एवरीवन कैसे हैं आप सभी लोग आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे तो आज मैं आपके साथ ना मिनी समोसे की रेसिपी शेयर करूंगी और इसे बनाने के लिए हम ना तो आटे का यूज़ करेंगे ना ही मैदा का और ना ही सूजी का और बहुत ही जल्दी मिनटों में ये टेस्टी टेस्टी समोसे बनके तैयार हो जाते हैं जिन्हें आप किसी भी पार्टी में सर्व कर सकते हैं या फिर शाम को हल्की फुल्की भूख में भी इन्हें बना के एंजॉय कर सकते हैं सभी को ये बेहद पसंद आते हैं और बनाने में ना एकदम ही आसान है तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं तो इन्हें बनाने के लिए सबसे पहले हमें बनानी होगी स्टफिंग तो यहाँ पर मैंने ले लिए हैं उबले हुए आलू तो यहाँ पर मेरे पास दो उबले हुए आलू हैं दोनों बड़े साइज़ में हैं तो सबसे पहले इन्हें छील लेंगे और छीलने के बाद ना इन्हें अच्छे से मैश कर लेंगे तो यहाँ पे ना मैं कम ही समोसे बना के तैयार कर रही हूँ तो यहाँ पे इसीलिए मैंने दो आलू का यूज़ किया है अगर आप ज़्यादा बना रहे हैं तो आलू भी आप उसी के अकॉर्डिंग थोड़े से ज़्यादा ले लीजिए तो आलूओं को मैस करके मैंने साइड में रख दिया है और अब चलते हैं हम गैस की तरफ तो यहाँ पर सबसे पहले गैस पर रखेंगे एक पैन और जैसे ही पैन गर्म हो जाएगा उसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा कुकिंग ऑयल और ऑयल के गर्म होने पर डालेंगे यहाँ पर आधा चम्मच भर के जीरा और उसके बाद हम यहाँ पे ऐड कर देंगे सारे बेसिक मसाले जैसे कि हल्दी पाउडर लाल मिर्ची पाउडर धनिया पाउडर साथ में ही डालेंगे अच्छे फ्लेवर के लिए थोड़ी सी हींग और उसके बाद यहाँ पे हम ऐड कर देंगे इसमें उबले हुए आलू आप चाहें तो यहाँ पे ना मटर भी इसमें ऐड कर सकते हैं या फिर आप बाद में इसमें पनीर भी ऐड कर सकते हैं अगर आपकी चॉइस में हो तो और साथ में ही यहाँ पे हम डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और सभी को अब बढ़िया से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद ना यहाँ पे हमें इसे दो तीन मिनट के लिए अच्छे से भूनना है जिससे कि इसमें बढ़िया सी एक खुशबू आने लगे अब साथ में ही यहाँ पे हम डालेंगे थोड़ा सा काली मिर्ची का पाउडर इससे फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है तो आप भी ज़रूर ऐड कीजिएगा और साथ में ही यहाँ पर डाल देंगे थोड़ा सा आमचूर पाउडर और थोड़ा सा डालेंगे यहाँ पर गर्म मसाला आप चाहें तो यहाँ पे ना भुने हुए जीरे का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं या फिर आप यहाँ पे चाट मसाला भी ऐड कर सकते हैं अगर आपके पास आमचूर पाउडर ना हो तो और अब इन सभी को अच्छे से मिक्स करते हुए दो से तीन मिनट के लिए हमें भून लेना है जब तक कि इसमें अच्छी सी खुशबू आने लगे तो आज की जो ये फिलिंग है ना इसे मैंने बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं बनाया है क्योंकि ये रेसिपी मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ और जब बहुत ज़्यादा मसाले हो जाते हैं ना तो बच्चे बिल्कुल भी नहीं खाते हैं तो इसकी फिलिंग आप अपने अकॉर्डिंग तैयार कर सकते हैं जैसी भी आपको अच्छी लगे तो यहाँ पर ना इसकी स्टफिंग देखिए तैयार हो गई है इसे आप प्लेट में रख देंगे थोड़ा सा ये ठंडा हो जाएगा तब तक हम चलते हैं आगे की तरफ और फ्रेंड्स ये रेसिपी जो है बहुत ही जल्दी बन जाती है खाने में बहुत ही यम्मी लगती है तो एक बार ना झटपट से आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये बहुत ही अच्छी लगेगी आपको तो देखिए यहाँ पे ना इसे बनाने के लिए आज हम गेहूं के आटे का यूज़ नहीं करेंगे ना ही मैदा का और ना ही सूजी का तो आज हम इसे बनाने वाले हैं ब्रेड से तो यहाँ पे हमने ले लिए हैं वाइट ब्रेड और सबसे पहले इन्हें बढ़िया से हम बेल के तैयार कर लेंगे तो सारे ब्रेड की ना इस तरह हम पहले सीट बना के तैयार कर लेंगे तो यहाँ पे ना एक ब्रेड से आप दो समोसे बना सकते हैं उसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे ब्रेड ले लीजिए आपको जितने भी समोसे बना के तैयार करने हैं ना उसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे ब्रेड ले लीजिए तो यहाँ पे मेरे पास जितने भी ब्रेड थे मैंने उन्हें इसी तरह बेल के तैयार कर लिया है और उसके बाद हम लेंगे एक इस तरह का ढक्कन और इसे ना इस तरह हम गोलाई में कट कर लेंगे तो आप चाहें तो यहाँ पे आपके पास कोई बड़ी कटोरी हो तो आप वो भी ले सकते हैं और उसी से सारे को इस तरह कट कर लीजिए मतलब सभी ब्रेड को गोल शेप में कट करके तैयार कर, कर, कर लीजिए और इसके जो भी साइड के किनारे निकलेंगे ना उन्हें आप फेंकें नहीं उनसे आप ब्रेड क्रम्स बना के तैयार कर लें और उन्हें फ्रीजर में स्टोर कर दें उन्हें आप किसी भी रेसिपी में यूज़ कर सकते हैं तो देखिए यहाँ पे इसी तरह मैं सारे मतलब सर्कल बना के पहले तैयार कर लूँगी और उसके बाद हम दिखाते हैं कि इसे आपको कैसे बनाना है तो दोस्तों यहाँ पे आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आपको आज की रेसिपी वीडियो पसंद आ रही हो तो नीचे एक लाइक का बटन दिया हुआ है उसे प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें तो लीजिए फ्रेंड्स यहाँ पे सभी शीट को मैंने इसी तरह बना के तैयार कर लिया है और अब इसके बाद हम लेंगे एक सीट और उसे ना बिल्कुल बीच में से कट कर देंगे चाहे तो आप पिज़्ज़ा कटर की मदद से इसे कट कर लीजिए या फिर किसी चाकू की मदद से और अब सारी सीट को ना इसी तरह हम बना के पहले तैयार कर लेंगे और उसके बाद बनाएंगे झटपट से मिनी समोसे और आप देख ही सकते हैं ना इन्हें बनाना कितना ज़्यादा आसान है कोई भी आटा बाटा हमें लगा के नहीं रखना है पहले से बस आपको आलू की स्टफिंग बनानी है और इस तरह ले लेने हैं ब्रेड अब उसके बाद हम लेंगे एक बोल और उसमें हम डालेंगे दो से तीन चम्मच भर के मैदा या फिर आप यहाँ पे ना गेहूं का आटा भी ले सकते हैं और साथ में ही यहाँ पे डालेंगे बहुत थोड़ा सा नमक और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के ना इसका एक थिक बैटर बना के तैयार कर लेंगे जो कि हम मतलब आगे अपनी रेसिपी में यूज़ करेंगे इसे चिपकाने के लिए जैसे कि समोसे वगैरह जब हलवाई बनाते हैं ना तो उन्हें चिपकाने के लिए एक सलेडी बना के तैयार करते हैं जिससे कि वो फ्राई करते टाइम खो लेना तो इस पेस्ट को ना आपको थोड़ा गाढ़ा ही रखना है पतला बिल्कुल भी नहीं करना है और अच्छे से मिक्स करते हुए इसका लम्ब फ्री एक थिक बैटर बना के आप तैयार कर लीजिए तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे बैटर आपको मैं दिखा रही हूँ कि कितना थिक रखना है तो अब हमारा बैटर भी बन के तैयार हो गया है तो चलिए झटपट से बनाना शुरू करते हैं इनकी कोन तो कोन बनाने के लिए इस तरह की एक सीट ले लेंगे और किनारों पर ना अच्छे से ये पेस्ट लगा देंगे और इस तरह से कोन का सेप दे देंगे और बड़ी आसान से चिपका देंगे बस एक ही सेकंड में ये सूख जाएगा और अच्छे से सिक्योर हो जाएगा देखिए फ्रेंड्स तो बस इसी तरह सारी कोन हम पहले बना कर रख लेंगे और उसके बाद हम बनाएंगे समोसे तो आपको एक और दिखा देती हूँ मैं इसे कैसे बनाना है जहाँ से हमने कट किया है ना बीच में से वहाँ पे हमें थोड़ा सा पेस्ट लगाना है और इस तरह हमें दबाते हुए इसे सील कर देना है देखिए फ्रेंड्स कितनी बढ़िया कोन हमारी जो है झटपट से बन तैयार हो गई है तो चलिए पहले मैं इन सभी को बना के तैयार कर लेती हूँ और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि इसे कैसे बनाना है तो वैसे अगर जब हम मैदा के समोसे बनाते हैं ना तो उसमें बहुत ही ज़्यादा झंझट होता है मैदा लगा के रखो पहले कभी कभी क्या होता है पपड़ी हार्ड हो जाती है अच्छे से वो बनते ही नहीं है पर इस तरह के जो समोसे होते हैं ना इन्हें बनाना बहुत ही ज़्यादा ईज़ी होता है किसी भी छोटी मोटी पार्टी में आप इन्हें बना के बहुत जल्दी तैयार कर सकते हैं तो देखिए दोस्तों यहाँ पे सारी कोन को मैंने इसी तरह बना के रख लिया है और अब उसके बाद हम लेंगे एक कोन और इसमें हम थोड़ी सी भर देंगे स्टफिंग तो यहाँ पे लगभग आप एक चम्मच स्टफिंग आराम से भर सकते हैं दबा दबा के अच्छे से स्टफिंग इस इसमें भर दीजिए और उसके बाद हमने जो सलेरी बनाई थी ना गाड़ी वाली उससे इसे बढ़िया से चिपका दीजिए ऊपर से किनारों से जिससे कि फ़्राई करते टाइम ये बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलेगी तो देखिए इस तरह अच्छे से सील कर देंगे ना तो बहुत ही जल्दी ये कवर हो जाते हैं और हमारा बहुत ही बढ़िया सा छोटा सा मिनी समोसा जो है बन के तैयार हो गया है देखिए फ्रेंड्स देखने में भी कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है ना तो जब हम इस तरह की कोई भी छोटी छोटी चीज़ें बना के बच्चों को खिलाते हैं तो बच्चों को बहुत अच्छी लगती हैं और लुक वाइज भी वैसे भी हम लोगों को भी बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती हैं और बनाने में तो है ही आसान आप देख ही सकते हैं तो बस इसी तरह मैं सारे समोसे पहले बना के रख लूँगी और उसके बाद मैं दिखाती हूँ कि इन्हें कैसे फ़्राई करना है वैसे आप चाहें तो ना इन्हें मतलब एयर फ्रायर भी कर सकते हैं अगर आपके पास एयर फ्रायर है तो आप उसमें भी इन्हें बना के एंजॉय कर सकते हैं पर आज मैं ना इन्हें ऑयल में ही फ्राई करके बनाने वाली हूँ पर उसे भी बनाने का तरीका मैं आपको बताऊँगी जिससे कि ये बहुत ज़्यादा ऑयल एब्जॉर्ब ना करें तो तब तक अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ नीचे जाके एक लाइक का बटन दिया हुआ है उसे ज़रूर प्रेस कर दें तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे इसी तरह मैंने सारे समोसे बना के तैयार कर लिए हैं और अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप में उसके बाद हमने जो स्लेरी बना के तैयार की थी ना उसे हम थोड़ा सा पतला कर लेंगे और अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे तो यहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालना है थोड़ा सा ही डाल के इसे बढ़िया से मिक्स कर लें और उसके बाद एक बोल में मैंने ले लिए हैं इस तरह ब्रेड क्रम्स तो यहाँ पर ना कढ़ाई को भी गैस पर रख देंगे और उसमें डाल देंगे कुकिंग ऑयल और जैसे हमारा कुकिंग ऑयल गर्म हो जाएगा ना इतने हम दूसरा काम कर लेते हैं तो यहाँ पे इस तरह एक आपको समोसा लेना है और सलेरी में अच्छे से डिप करके ब्रेड क्रम में कोट कर लेना है इससे क्या होगा जब आप इसे ऑयल में फ्राई करेंगे तो ये बिल्कुल भी ऑयल एब्जॉर्ब नहीं करेंगे और साथ ही ना और ही ज़्यादा बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बन के तैयार होंगे तो यहाँ पे देखिए सभी समोसों को ना इसी तरह मैं पहले बना के रख लूँगी मतलब पहले सलेरी में इन्हें डिप करूँगी और उसके बाद ब्रेड क्रम में ने बढ़िया से कोट कर लूँगी देखिए फ्रेंड्स इस तरह तो इस तरह ना ये सुपर डुपर क्रिस्पी बन के तैयार हो जाते हैं वैसे ना आप सीधे सलेरी में डिप करके भी इन्हें फ्राई कर सकते हैं पर आप डायरेक्ट ना करें जैसे कि हमने समोसे बना के रखे हैं ना आप इस तरह सीधे फ्राई ना करें अगर आप डायरेक्ट इन्हें फ्राई करेंगे ना तो हो सकता है कि इनमें बहुत ज़्यादा ऑयल अंदर चला जाए मतलब ऑयल एब्जॉर्ब कर ले क्योंकि ये ब्रेड के समोसे हैं ना इसीलिए तो पहले आप सलेरी में डिप कर लें उसके बाद आप इन्हें फ्राई करें तो यहाँ पे ना मैंने दो समोसे छोड़ दिए हैं क्योंकि उन्हें मैं ब्रेड क्रम से कोट नहीं करूँगी उन्हें मैं आपको सिर्फ़ सलेरी में डिप करके ही दिखाऊँगी और उसके बाद फ्राई करूँगी तो यहाँ पे कुकिंग ऑयल अच्छा सा गर्म हो गया है उसके बाद हम अपने समोसे इसमें डाल देंगे और अलटते पलटते हुए ना दोनों साइड अच्छा सा कलर आने तक अच्छे से क्रिस्प होने तक इन्हें फ्राई कर लेंगे और इन्हें फ्राई करने में ना बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है हार्डली आपको तीन से चार मिनट ही लगेंगे और तीन से चार मिनट में ये बहुत ही अच्छे सुनहरे कलर में आ जाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे जो समोसे हैं बहुत ही बढ़िया से फ्राई हो गए हैं बहुत ही सुनहरा सुंदर सा कलर आ गया है तो बस अब इन्हें हम निकाल लेंगे और रख देंगे एक टिश्यू पेपर पे। बस इसी तरह बाकी बचे हुए जो समोसे हैं ना उन्हें भी पहले हम फ्राई कर लेंगे उसके बाद मैंने जो दो समोसे छोड़ दिए थे ना उन्हें आपको दिखाऊँगी सिर्फ सलेरी में डिप करके फ्राई करके तो चाहे तो आप इन्हें ब्रेड क्रम में करके मतलब ब्रेड क्रम में कोट करके फ्राई करें या फिर आप सीधे स्लेरी में डिप करके फ्राई करें दोनों में ही ये ऑयल एब्जॉर्ब बिल्कुल भी नहीं करते हैं और खाने में बहुत ही अच्छे लगते हैं तो ये वाले दोनों समोसे ना मैंने सिर्फ सलेरी में डिप करके ही फ्राई किए हैं और देखिए फ्रेंड्स इनका आप कलर देख सकते हैं थोड़ा सा लाइट आता है तो यहाँ पे हमारे सारे समोसे बनके तैयार हो गए हैं और आप लुक वाइज देख सकते हैं कि कितने ज़्यादा टेम्पटिंग लग रहे हैं तो इन्हें बनाने के ना मैंने आपको तीन तरीके बता दिए चाहे तो आप एयर फ्रायर करके इन्हें बना लीजिए या फिर आप इन्हें ब्रेड क्रम में कोट करके बनाइए या फिर आप इन्हें सिलैरी में डिप करके बनाइए तीनों में ही बहुत ही ज़्यादा सुपर डुपर टेस्टी लगते हैं तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करें और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें मैं मिलती हूँ एक नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए बा बाय एंड टेक केयर